हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल चलो लर्न करते हैं। और मेरा नाम है मनीषा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले पॉइंट लाइन, लाइन सेगमेंट और रेस। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट की। पॉइंट क्या होता है? तो पॉइंट एक्चुअली स्मॉल डॉट को कहते हैं। जब कोई स्मॉल डॉट पेंसिल से, पेन से दिया जाता है तो वो पॉइंट कहलाता है। अब इसी पॉइंट का हम नाम कुछ भी रख दें, ए बी सी, तो इसे हम कहेंगे पॉइंट ए। ठीक है, यह क्या कहलाया हमारा पॉइंट, तो इसका हो गया क्या पॉइंट ए। अब बात करते हैं लाइन की। तो जैसे हमने ये एक खींचा इस तरह, तो ये इसे ही लाइन कहेंगे। ठीक है, अब इसी का हमने नाम रख दिया कुछ भी, एल रख दिया, एम रख दिया, कुछ भी नाम रख दिया, तो ठीक है, ये क्या कहलाया लाइन एम। अब लाइन एम, लाइन में क्या होता है कि लाइन में जो दोनों तरफ के जो सिरे हैं वो बढ़ते जाते हैं। लाइन एक्सटेंड्स इन बोथ साइड्स, मतलब ये बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये इसका मतलब ये हुआ कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ओके, जब दोनों सिरे बढ़ते जाते हैं तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। इट इज, हमने एल रख दिया, इसे हम ए बी भी नाम रख सकते हैं। जैसे चलिए इस लाइन का नाम हमने ए बी रख दिया। तो इसे हम कैसे दिखाएंगे कि ये लाइन ए बी है? तो इसे हम ऐसे लिखेंगे लाइन ए बी। ठीक है, या फिर इसका सिंबल इस तरह से लिखेंगे। देखिए, ए बी ऐसे कर दिया और इसे इस तरह से कर दिया और इस तरफ से और इस तरफ से, तो लाइन को दोनों तरफ एरो लगाते हैं, इसका सिंबल है। इसका मतलब ये लाइन एम बी है। ओके, तो ये लाइन का सिंबल हो गया। तो एक लाइन का सिंबल तो ये हो गया ए बी, और दूसरा बी ए भी लिख सकते हैं हम। ए बी को बी ए भी लिख सकते हैं, ये भी ए बी बी ए, दोनों लाइन ही है, लाइन का सिंबल है ये। ठीक है, अगर जैसे ये लाइन है और इस पर कोई पॉइंट एल है, ठीक है, एल है, तो एल से कितनी भी रेखाएं गुजर सकती हैं। ठीक, तो अ नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट, कितनी भी रेखाएं गुजर सकती है। जैसे ये हो गया, ठीक है, ये चलिए ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो पॉइंट यहाँ पर क्या है, एल है। तो अब चलिए अब लाइन सेगमेंट की बात करते हैं। तो ये देखिए, ये है रहा लाइन। ओके, अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक डॉट और यहाँ पर एक डॉट, यानी पॉइंट। अब यहाँ पर रहा ए बी, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? देखिए, इसमें टू पॉइंट आ गए। लाइन में कोई, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं था, लेकिन लाइन सेगमेंट में क्या होता है, इसमें एंड पॉइंट टू होते हैं। मतलब लाइन्स एक्सटेंड नहीं कर सकती हैं, लाइन्स आगे नहीं बढ़ सकती, लाइन आगे नहीं बढ़ सकती है। ये दो पॉइंट एंड पॉइंट मिल गए तो वो जैसी है वैसी ही रहेगी। इसकी लंबाई जो होती है उसे हम मेज़र भी कर सकते हैं, लेकिन लाइन की लंबाई मेज़र नहीं की जा सकती, लेकिन लाइन सेगमेंट को मेज़र किया जा सकता है। इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। ओके, इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स ए और बी। इसमें ए और बी है, दो एंड पॉइंट है, और इसमें जो लाइन में हम बहुत सारी रेखाएँ ड्रॉ कर सकते थे, इसमें नहीं की जा सकती। इसमें केवल एक ही रेखा ड्रॉ की जा सकती है, क्योंकि इसका दो एंड पॉइंट है, तो इसमें एक ही रेखा ड्रॉ की जाएगी। ओके, और इसे हम लिखते हैं इस तरह से। देखिए, ये ए बी हमने लिख दिया, ए बी, और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ डॉट इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर बी ए भी लिख सकते हैं इस तरह से, या फिर बी ए इस तरह से। ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट का सिंबल हो गया, जबकि लाइन में क्या था, दोनों तरफ एरोज लगे हुए थे, जो कि दोनों बताते हैं कि दोनों जो बोथ साइड है वो एक्सटेंड कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जबकि लाइन सेगमेंट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसके एंड पॉइंट्स हैं तो वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं रेस की। ओके, तो चलिए इसका नाम रख दिया पी। ओके, अब ये देखिए, ये हमने यहाँ एरो लगा दिया। ठीक है, तो होता क्या है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो रेज है केवल एक ही डायरेक्शन में
एक्सटेंड करती है, एक ही डायरेक्शन में बढ़ती है। जबकि लाइन में क्या होता था कि दोनों डायरेक्शन में बढ़ती थी, पर रेस जो है वो एक ही डायरेक्शन में बढ़ती, इसका मतलब रेस का एक ही एंड पॉइंट होता है, ठीक है, यानी इसका एंड पॉइंट पी है। तो ये हमारा रेस पी हो गया। अब जैसे देखिए, इसका हम कुछ भी नाम भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल, अब जैसे ए नाम रख दिया, यहाँ बी नाम रख दिया, ओके, ए बी नाम रख दिया, लेकिन जो एरो है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये रेज है, ठीक है। तो रेज है तो इसका मतलब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी रेज को इस तरह से हम दिखा सकते हैं, लेकिन हाँ, इसे बी ए नहीं कर सकते। इसका मतलब यही हुआ कि रे ए बी एक्सटेंड्स इन द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, देखिए ए से बी, ए टू बी। अब दूसरा, तो इसे हम ए बी इस तरह से करेंगे, लेकिन अगर हमारा रे हम इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है, और यहाँ ए बी है, ओके, ए बी है, तो हम इसे किस तरह, यानी कि ये बी से ए हमारा जो वन डायरेक्शन है वो बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे बी ए, यानी यहाँ बी ए और ए बी में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि बी ए का मतलब हो गया कि बी से ए की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, जो रेज है वो बी से ए की ओर एक्सटेंड हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया। तो इसे हम इस तरह से दिखाएंगे, यानी रे बी ए एक्सटेंड्स इन द डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए, तो इसे हम इस तरह से दिखाएंगे, और जो ए और जो ये वाला था ये बी की ओर होता, तो इसे हम इस तरह से दिखलाएंगे, तो ये रेज हो गया। तो चलिए हम फिर से थोड़े रिविजन कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है ए बी, ये लाइन है, क्योंकि बोर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, ए बी या फिर बी ए, इसे दोनों तरफ से लिख सकते हैं, लाइन ए बी इज द सेम एज लाइन बी ए, ओके। अब ये है टू एंड पॉइंट्स, इसका मतलब लाइन सेगमेंट है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर बी ए लाइन सेगमेंट ए बी इज द सेम एज लाइन सेगमेंट बी ए। अब ये है वन डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहा है, ये है रेज, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, और ये है ए की ओर हो रहा है, यानी बी ए हो जाएगा हमारा इस तरह से, इसे इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब रेज ए बी इज डिफरेंट फ्रॉम रेज बी ए, ये दोनों अलग अलग हो गए। ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो यहीं तक था, उम्मीद है आप लोगों ने पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रेज को अच्छे से समझा होगा, जाना होगा। मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन रेड कलर में नीचे है, उसे आपको प्रेस करना है, फिर बेल बटन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप लोगों तक तुरंत पहुँचे। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं लाइन पर पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, सब पे वीडियो बनाऊँ, कोशिश करूँगी अपलोड करने का। ओके फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।